भाई वो देखो कौन आ रही है, वो देखो कौन आ रही है। वे उसे तो बैग नहीं संभाला जा रहा भाई, बैग ही नहीं संभाला जा रहा भाई। अरुण मैं तुम्हें वहां से चलता हुआ देखता आ रहा हूँ। क्या हाल है अभी भाई? एक शुगर हो गया बहुत बड़े का भाई। अरूब हमें सरप्राइज देने आ रही है भाई। मैंने इसे ऐसी बातों बातों में पूछा कि व्हाट आर यू अप टू, तो कहती हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, और साथ में कहती कि भाई अगर सरप्राइज चाहिए तो दुबई एयरपोर्ट आ जाना 5:40 सुबह सुबह भाई। और मैंने अभी देखा कि एक फ्लाइट एमिरेट्स की दुबई लैंड हो रही है 5 लाहौर से भाई, सीधा 5:50 पे इसी में आ रही होगी भाई वो। भाई मुझे पहले से फीलिंग आ रही थी क्योंकि मुझे जो है ना ये कह रही थी कि अपनी लोकेशन भेजो भाई। ये पहले भी ड्रामे लगा रही थी कि तुम कहाँ स्टे कर रहे हो और ये वो। मैंने कहा ये किस खुशी में पूछ रही है, तो कहती पार्सल पहुंचाना है। तो मैंने जो है होटल वगैरह चेंज करना है, तो इसलिए मैंने कहा मुझे होटल वगैरह चेंज करने दो, तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ एड्रेस, वहां पे पहुंचा देना बेशक। अब इसको तो पता ही नहीं है जहाज के अंदर जो है क्या सिस्टम होता है, बोर्डिंग पास कर लेना, तो जिंदगी में पहली बार ट्रैवल कर लिया भाई। हम लोग जो है ना दस्ती चलते हैं एयरपोर्ट। टैक्सी मिल गई है भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ब्रदर हमने जाना है। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ तो ठीक ठाक? बिल्कुल फिट पर। तो टैक्सी में बैठ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। मुझे कसम से जो है ना रूप ने खबर भी नहीं होने दी थी कि वो आ रही है। उसके मैसेज से जो है ना मैंने अंदाजा लगा लिया था कि भाई वो दुबई आ रही है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। उसने खुद ही कहा था कि एयरपोर्ट आ जाना अगर सरप्राइज चाहिए। भाई देखते हैं क्या सीन है भाई। 10 लगेगा हमें एयरपोर्ट पहुंचने में भाई जान, बस फटाफट जल्दी जल्दी जो है ना पहुंचा दूं, उससे पहले बेगम मेरी जो है ना पाकिस्तान वापस चले जाए यार। हैं इंशाल्लाह बस 9 मिनट। हां बस ठीक है भाई, 9 के अंदर हम लोग पहुंच रहे हैं। ओए 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 चाचू जज्बाती हो गए हो यार। हैं नहीं स्कूल से जाए, स्कूल से जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो है मैं एयरपोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन मैं जो हूँ ना गलती से डिपार्चर वाली जगह पे आ गया हूँ। हमें अराइवल पे जाना था यार, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार। ये नीचे अराइवल वाली जगह पे कैसे जाना है? वो लिफ्ट है ना, उससे नीचे। भाई उसको पता पता कुछ नहीं है कि यार कैसे इमिग्रेशन लेनी होती है, बैग कहाँ से कलेक्ट करना होता है, वो तो पता नहीं, शायद दूसरे मुल्क ही ना पहुंच जाए। फंसी होगी कहीं 100%। अभी चलते हैं नीचे, ठीक है उसको ढूंढना पड़ेगा हमें। तो यार सारे चल के जो है ना यहीं से आ रहे हैं, ठीक है रूम को भी हमें यहीं से रिसीव करना होगा। भाई उसको बता देना चाहिए था यार कि उसने आना है, क्योंकि आधा घंटा हो गया उसकी फ्लाइट लैंड हुए और अभी तक उसका अता पता कुछ नहीं है भाई, वो फंसी होगी कहीं पे। मुझे तो लग रहा है कनाडा पहुंच गई है, गलत फ्लाइट पकड़ ली होगी उसने भाई। अच्छा फूलों की दुकान भी मिली है, ठीक है यहाँ से कोई फूल शूल पकड़ लेते हैं यार। इतना हमें बड़ा हमें चाहिए नहीं है, हमें बस छोटा सा चाहिए। हेलो डू यू हैव लाइक स्मॉल बुके, छोटा स्मॉल? ओके हमारे पास जो है ये है, एक व्हाइट में है और इसके अलावा ब्लैक में है। हाउ मच आर दीस? 60। महंगाई नहीं दे रहे यार, 5,000 का दे रहे हैं यार, ले लें यार क्या करें। उसने वैसे फेंक फूंक देना है, उसने कौन सा सजा के रख देना है। ओके गिव मी दिस वन, ओके गिव मी दिस पिंक। भाई फूल पकड़ लिया हमने यार, है चाहिए भाई उसको कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा शुगर मेला ही हो जाए यार भाई। बल्कि जो है ना ये पिंक हमें कोई इतना कोई खास नहीं लग रहा, मैं तो सोच रहा हूँ ये व्हाइट। ओके परफेक्ट, थैंक यू भाई। आधा घंटा हो गया अभी तक जो है ना वो बाढ़ नहीं आई, अब इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते, वरना चेक कर लेते भाई। आधा घंटा हो गया उसकी फ्लाइट लैंड हुए, अभी तक बाढ़ ही नहीं आई यार। फूल भी लेके रख लिया, ये सड़ जाएंगे यार उसके आते आते। भाई हर टाइप का पैसेंजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी बेगम नहीं आ रही यार। A few moments later, भाई वो देखो कौन आ रही है, वो देखो कौन आ रही है। उसे तो बैग नहीं संभाला जा रहा भाई, बैग ही नहीं संभाला जा रहा भाई। शायद करेगी भी नहीं, मुझे लग रहा है नहीं करेगी, मुझे लग रहा है। मैं बैठा रहता हूँ यहाँ पे। अरुण मैं तुम्हें वहां से चलता हुआ देखता आ रहा हूँ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक, आ जाओ वहां से घूम के आओ। रूप तुम्हें किसने कहा अकेले फ्लाइट करने का भाई? तुम्हें बताया मैं कैसे आई हूँ? तुम फ्लाइट लैंड हुए 1 हो गया, तुम 1 के बाद बाहर आई हो, तुम की पकड़ी तो नहीं गई थी वहाँ पे है नशे नुशे करते हुए? मैं तो इतना फील कर रही हूँ कॉन्फिडेंट कि मैं खुद अकेली पाकिस्तान से दुबई आई हूँ। मैं तुम्हारा ऐसे इस्तेमाल करूँ जैसे तुम उम्र से आई हो। तुमने बताया क्यों नहीं कि भाई तुम आ रही हो? अरे तुम जिंदा हो यार, है मुझे लगा कि तुम लंदन चली गई होगी। है तुम्हें तो पता ही नहीं फ्लाइट्स का कैसे काम करती है, पता नहीं मुझे लगा पता नहीं कौन से जहाज में बैठ गई होगी भाई। फील सो इंडिपेंडेंट, तुम बताया पाकिस्तान से दुबई खुद आई हूँ, मैंने हर एक चीज खुद की। मुझे बता तो देती, मैं वहाँ पे इंतजाम रखता ना यार। रूम चुप कर, मैं सीखूंगी कैसे? रील हो गया आई हो? नहीं रील हुई, मैं अच्छी एमिरेट्स फ्लाइट पे आई हूँ। जो बेल्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा थी, मैं हर बेल्ट पे अपना बैग ढूंढूं, तो मैंने कहा अच्छा नहीं बेल्ट का एक नंबर होता है स्पेसिफिक। पेंडू इंसान, वो देखो वो सामने बोर्ड रखा हुआ है,
उस पे हर फ्लाइट के आगे जो है ना बेड नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे बस मैं मार खा गई वरना मुझे सारा पता था। ये कैसा लगा, ये मैंने लिया 60 रुपए का भाई। 60 दिरहम का या 7 रुपए दिरहम? फिर अच्छा। तो यार रूप ने जो है ना अचानक सरप्राइज दिया, मुंह चुप के आ गई है, इसको बुलाया भी नहीं था किसी ने। बस खुद ही तुम कहते रहे थे ब्लॉग के अंदर मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं और बोर होऊंगा। अब वापस यहाँ से वापस नहीं जाते, पहले आपको तुम्हें एयरपोर्ट से घूम के आना पड़ेगा, फिर उस तरफ जाना पड़ेगा, रिटर्न टिकट भी बुक करनी पड़ेगी, और इस वक्त तुम्हें कोई फ्लाइट नहीं मिलनी। यहाँ से लिया था मैंने फूल, ये थी दुकान, वापस करा दें। अब तो सरप्राइज भी दे दिया तुम्हारा, खुश तुम खुश भी होगी, वापस करा देते हैं यार, रिफंड करवा देते हैं, रूप पैसे बच जाएंगे, 60 दिरहम का नाश्ता करेंगे ना लेवल का यार, वो देखो ना बाहर रोशनी भी हो गई है। तो भाई टैक्सी पकड़ लेते हैं, टैक्सी पकड़ लेते हैं। ओए ब्रदर टेक दिस। रूप तुम मुझे पहले बताती ना कि तुम आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए लिमोज़ीन लेके आता, अभी मुझे हमें टैक्सी भी सफर करना पड़ेगा यार, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड का लेवल, यहाँ पे रोज रॉयस फरारियां आती रहती है। चल झूठा। आओ जी बैठो जी। अच्छा बड़ी लेवल की है खुली छुट्टी। हाय, तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं भाई, टोटली अनएक्साइटेड था यार। मुझे वैसे कल भी शक हो गया क्योंकि तुम पूछ रही है कहाँ पे स्टे कर रहे हो और ये वो, लेकिन थैंक यू यार तुम्हारी, मैं बहुत बोर हो रहा था कसम खुदा की, कुछ भी नहीं था करने को यार, अकेले घूम लिया कभी कहाँ, कुछ खा लिया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। तो यार अभी जो है ना बहुत ज्यादा थके हुए, सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा आराम कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं क्या प्लान है भाई। 5 hours later मिस्ट्री बॉक्स कहाँ तक पहुंचा है? मिस्ट्री बॉक्स, अरूप तुमने अचानक ही आके सरप्राइज दे दिया तो मुझे समझ नहीं ना आई। मैं सोच रहा कि दुबई से वापस जाने से पहले एक दिन पहले तुम्हारा मिस्ट्री बॉक्स तैयार कर लें, अब सारा तुम्हारे सामने करना पड़ेगा, और अगर मैं छुप के भी कर लूं तो तुमने खोल के देख लेना है। नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी पक्का। मैं तुम्हारे बगैर मिस्ट्री बॉक्स तैयार करने निकलूंगा, तुमने नहीं देखना एक बार भी। ओके कुछ कुछ चीजें मैंने थोड़ी बहुत ले ली हैं, लेकिन तुमने नहीं देखना, कसम खाओ। वैसे भी इसके अंदर पासवर्ड वासवर्ड लग जाता है ठीक है, कोड शोड लगा लेते हैं ठीक है, फिर हमने अरूप को बताना बतूना कोई नहीं है इसके अंदर क्या है, तुमने खोलना पाकिस्तान जाके अरूप, प्रॉमिस करो, नहीं तो एक्साइटमेंट मर जाएगी सारी यार। ठीक है डन। लो अभी कुछ खाना छाना खाने चलते हैं ठीक है, सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, भूख बहुत लगी है भाई। भाई दुबई में जिंदगी में पहली बार जो है मैंने बारिश देखी है भाई। देखो जैसे मैं लैंड हुई उससे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है दुबई के अंदर, पहली बार मैंने जो है ना देखी है बारिश दुबई में, उससे पहले तो मैंने सिर्फ गर्मी देखी है यार। अरूप देखो तुम्हारे आने का फायदा हो गया भाई, मौसम भी अच्छा हो गया। तो है ना नाश्ता वगैरह करना चलते हैं, बारिश बहुत अच्छी हो रही है भाई। तो अभी जो है ना हम लोग कुछ खाना छाना खाने बैठे हैं, नूडल्स वगैरह ठीक है, रोटी रोटी खाने के बाद जो है मॉल चलें। वैसे मैंने अकेले जाना था तुम्हारा मिस्ट्री बॉक्स तैयार करने, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारे साथ ले जाते हैं आप, वैसे शुक्र मेला लगा लेंगे। नहीं तुम्हारे सामने मिस्ट्री बॉक्स नहीं लूंगा मैं। हां ना मिस्ट्री कहां की हुई फिर? नहीं नहीं बेफिक्र हो जाओ भाई, ये नूडल यस कराओ भाई। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया ठीक है, अभी ऐसी वॉक कर रहे हैं बाहर, बड़ा अच्छा मौसम है, मॉल चले जाते हैं। अब अरूप भी आ गई, अब कल परसों दिन प्लान करते हैं यार, दिन में कोई है शुगर मेला भाई, अभी मॉल जाते हैं चीजें वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि मैं तो तुम लोगों को बताया सिर्फ 2 दिन के हिसाब से कपड़े रख के आया था, तो शर्टें भी जो है ना पहनने को मेरे पास खत्म हुई है, तो वो जाके पकड़ लेते हैं थोड़ी सी। तो लैम्बोर्गिनी मैंने अपनी पार्क होने यहाँ पे दे दी, अभी वेले को मैंने पकड़ाई है कि फटाफट जो है ना मेरी लैम्बोर्गिनी सुकून से लगा दे, ये यहाँ पे अभी गाड़ी लगा देगा, हम जाके अंदर शॉपिंग कराते हैं भाई। ये देखो वेले वाले को मैंने दे दी है कि हमारी गाड़ी जो है लैम्बोर्गिनी ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की जो हमने लिया है, वो सुकून से बस यहाँ पे पार्क कर दे। अच्छा किया ना पार्क करवा के गाड़ी। रोज ऑयल मैंने ये भी मंगा ली थी, अगर हम लोग सामान ज्यादा लेते हैं तो फिर जाहिर है लैम्बोर्गिनी के अंदर हमारा पूरा नहीं आएगा, तो रोज ऑयल मैंने यहीं पे मंगा ली थी, मैंने कहा भाई सामान सुमून रख लेंगे। झूठ बोल रहा है। और बाकी अगर लैम्बोर्गिनी चलाने का नहीं भी दिल किया तो हम फरारी भी ले आए हैं अपनी यहीं पे, वो भी यहीं पे पार्क करवा लिया है, सही है, तो फिर ये भी हमारे काम आ सकते हैं। तीनों गाड़ियां मैंने यहीं पे पार्क कर दी हैं, फरारी रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी, यहीं पे हमारी पार्क होगी। अब चलते हैं अंदर, 200 रुपए की शर्ट लेने। शर्ट शुटे लेने आए हैं अरूप की, सस्ती ही देखो यार जल्दी से फटाफट यार, कोई सेले मेले जहाँ पे लगी है वो देखो, 70% सेल है किसी पे। ओए ये कैसी लग रही है स्वेटर? वैसे भी अब सर्दियां आ गई हैं, तुर्की भी जाना है, तुर्की में बड़ी ठंड है भाई। हाँ, तुर्की बहुत ठंड, तुर्की में बड़ी ठंड है भाई, स्वेटर स्वेटर पकड़ने पड़ेंगे यहाँ से। हाँ ये अच्छी है, तुम्हारे कलर भी पसंद है। बड़ी महंगी है यार, 100 दिरहम की है यार अरूप। नहीं अरूप बहुत महंगी है यार, छोड़ दो, कोई सस्ती सी पकड़ो यार शर्ट। ये बहुत अच्छा है भाई, ये मैं पकड़ लेता हूँ बल्कि है भाई। एक हमने ये स्वेट शर्ट डन की है, एक ये शर्ट भी ले लेते हैं, अच्छी लग रही है। ब्लैक फिर से बस ठीक है, अच्छी लग रही है, देखो मैली भी लग रही है, मेरे टाइप की ना मैली लग रही है ये भाई। भाई ये बस ये भी पकड़ लेते हैं, ये भी अच्छा है। मीडियम ले लो। मीडियम नहीं आता पूरा रूप, पेट बहुत बड़ा नजर आता है मीडियम में। बात तो सही है। ये देखो रूप, जिस तरह मैंने अपनी स्मार्ट वॉच ली है एप्पल वॉच, तुम भी ले सकती हो एक, ये देखो किड स्मार्ट वॉच लिखा भी हुआ है, 3 इयर्स प्लस, फिर परफेक्टली तुम पे सूट करती है भाई। थैंक यू सो मच। 1 hour later तो होटल वापस आ गए थे, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड जो है मैंने आउट ऑफ नोवेयर व्लॉग स्टार्ट किया, हम लोग जी भी नहीं किया भाई, अचानक ये रूप जो है ना आ गई थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे इंट्रो करना ही भूल गया मैं। एनीवेज यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक वाले का दुबाकी डक्की व्लॉग को ज्वाइन कर लेना, आपको शुगर मेल लगाते हैं ठीक है, रूप भी आ गई है, मिलते हैं कल। ओ काफ़र।